120 फुटी रोड पर बरसों पुरानी समस्या बरसाती पानी खड़े होने की समस्या जल्द ही समाप्त होने जा रही है। आखिरकार सरकार ने इसको सुन ली और मौजूदा विधायक सुशील रिंकू ने इस प्रोजेक्ट को 21 करोड़ की लागत से इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट में खड़ा होने वाला बरसाती पानी इकट्ठा कर 3 किलोमीटर दूर बने ड्रेन में फेंका जाएगा। इससे 120 फुटी रोड पर जल भराव की बरसों पुरानी समस्या हल हो जाएगी और इससे इलाके निवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जलंधर से वरिंदर सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। 120 फुटी रोड पे और नाल लगते इलाकों का जरा बरसात का पानी है वह जरा प्रोजेक्ट पिछले समय जी शुरुआत हुई थी अज जी है राइजिंग मेन लाइन जिन्हें इतों का बरसात का पानी जरा लैके तो इतों 3 किलोमीटर दूर काला संघिया ड्रेन तक जाना अज उस पाइपलाइन का जोड़ा काम जरा शुरू किया गया अपना जवाहर पेट्रोल पंप तो लक्की पैलेस के सामने और मैं देख रहा कि सारे देख रहे हैं कि पिछले जिस दिन का यह काम शुरू किया है सीवरेज का लगातार जोड़ा काम चल रहा और मेरा ख्याल है कि इलाके के सारे लोगों की और मेरी भी इस गल की तसली है कि काम है जोड़ा वो स्पीड के न चल रहा है और तीनों चारों साइडों के उत्ते जोड़ा काम है वो शुरुआत हो चुकी है। कल या परसों तो बस्ती दानिशमंदा वाली लाइन वो भी शुरुआत हो जानी है और जिथे वे टैंक बनने हैं वह काम भी जोड़ा सारा बड़ी जल्द शुरू हो जोड़ा जा रहा और मैं समझदा कि प्रोजेक्ट है जोड़ा इन टाइम कंप्लीट हो जोड़े कंपनी है जोड़े साढ़े ऑफिसर साहबान इन वालों जो पूरे जोड़े एफर्ट है वो किए जा रहे और ये बहुत बड़ी राहत है जी जिते इलाके के लोगों को मिलनी है क्योंकि मैं थोड़े दिन पहला सर्जिकल कंपलैक्स लैदर कंपलैक्स सड़कों के अभी उद्घाटन करने की जोड़े मेरे साथी सारे जोड़े फैक्ट्री ओनर है जो भी इतों क्योंकि कोई मॉडल टाउन तो कोई जी टी पी नगर तो या शहर के दूसरे हिस्से तो कोई बिचों लंघ के जाते हैं उन्होंने भी मतलब जी राहत है जो इतों लंघन गए उन्होंने भी एक बहुत बड़ी जी कि अमाउंट का प्रोजेक्ट जो है अप्रोक्सीमेटली गल करिए 20 करोड़ 99 लाख का जो प्रोजेक्ट है सारा टोटल जो प्रोजेक्ट है 20 करोड़ 99 लाख और कई साइज दिडिया पाइप्स है वो पै रही हैं और बहुत जल्द है जोड़ा मैं कहाँगा कि जो कंप्लीट है जोड़ा इन टाइम हो जाए इस गल की पूरी मेरी असं कोशिश करा कि ये जुलाई महीने तो पहला बरसात तो पहला यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।